हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम कटिंग करने वाले हैं सिंपल गले की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है और 3.5 पे दोनों साइड से और लाइन को खींच देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे क्योंकि मुझे 7 इंच की लेंथ तैयार करनी है, इसलिए 7.5 पे तैयार लगा देंगे, निशान लगा लेंगे। और आज हम बनाने वाले हैं राउंड वी शेप। ओके, तो इस तरह से निशान लगा के इस तरह से हम राउंड वी गले की शेप काट लेंगे। सभी 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं सेम वैसे ही। इसमें आपने कैसे काटनी है शेप को, ये निशान लगाने के बाद यहां से आप 1.5 इंच के करीब ले लीजिए, निशान लगा लीजिए। उसके बाद इसको लाइन को मैच कर दीजिए। मैच करने के बाद आप इसको हल्की सी कर्व शेप दे दीजिए। इसी तरह से जितना यहाँ पे गैप ले रखा है उतना ही गैप हम यहाँ पे हल्का सा निशान लगा लेंगे। और फिर इसी प्रकार हम लोग इसको शेप देंगे। आप थोड़ी सी ज्यादा कर्व करना चाहते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि आप इसको कटिंग करते हैं।
इस तरह से ये शेप कट जाएगी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। गाइस 3.5 इंच निशान लगा लेते हैं यहाँ पे और 3.5 इंच यहाँ। और सेम वैसे ही पहले की तरह 7.5 इंच पे निशान, क्योंकि हमने 7 इंच गला तैयार करना है लंबाई में। देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये जो शेप हम काटेंगे वो हम काटेंगे स्क्वायर गले में, मतलब ग्लास गले के अंदर एक वी कट देना है। तो जो कट लेना है आपने वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, पर फिलहाल हम इसके अंदर 1.25 इंच लंबाई वाला कट लेंगे। 1.25 इंच के बाद 1.25 इंच पे निशान लगा लीजिए आप और एक लाइन खींच लीजिए। अब गिलास कला बनाने के लिए जितने आपको ब्रॉडनेस नीचे से चाहिए उतने पे आप निशान लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए 6 इंच की, तो मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगा यहाँ पे और फिर इसको यहाँ से मैच कर दूंगा ऊपर की लंबाई के साथ। यहाँ पे लंबाई आएगी और इसको यहाँ से मैच कर देंगे। और इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से शेप कट जाएगी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।